खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां बृहस्पतिवार को ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जड़ावगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि पूर्व महर्षि राजा राकेश प्रताप सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संघ अध्यक्ष ग्राम प्रधान जड़ावगंज पवन सिंह ने किया। दोपहर 12:30 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी क्षेत्रीय लोगों को दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीबों के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधे फायदा लाभार्थियों को मिल रहा है और बिचौलियों का कार्य समाप्त हो चुका है। इसके पूर्व सरकारों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कार्यक्रम में कृषि विभाग से एडियो कृषि दिलीप सोनी, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर विजय सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में नीलम यादव, बीना मिश्रा, पशुपालन विभाग से डॉक्टर इंद्रजीत वर्मा, सहकारिता प्रदीप दीक्षित तथा एडियो समाज कल्याण स्वप्निल बिशेन ने स्टार लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीव सिंह ने किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी साबिर अनवर, राकेश बाबू तिवारी, पंकज मिश्रा, नीरज शुक्ला, राजकुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है। इस यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों की से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए ट्रेनिंग हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजना के लिए आवेदन किया। 33 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी पीएम किसान बन गए। 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस